केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। या तो आप लोगों को मेल आ चुकी होगी या फिर कुछ दिनों में मेल आने वाली है। सर अभी क्या हो रहा है कि हमारे क्लाइंटों को मेल आ रही है। मेल किस बात की आ रही है? लेट फीस की। जो गवर्नमेंट ने लेट फीस वेव की थी 3B और GSTR 4 की, उसके रिगार्ड में मेल आनी शुरू हो गई। वो क्या कर रहे हैं कि अब एक्स्ट्रा हमसे फीस मांग रहे हैं कि जी ये आपने लास्ट टाइम कम जमा कराई थी, तो आप जो बैलेंस है वो आप पे कीजिए। तो सर थोड़ा सा इसको एलोबरेट करो, बताओ कि सर ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। उस टाइम पे हमने तो पूरा कैलकुलेट करके जमा करा दी थी, अब ये हमसे कौन सी एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं? पहली बात तो जयगुलिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे ना एक्स्ट्रा फीस का नाम मत दो, जी क्योंकि ये एज पर सेक्शन 47 लगी हुई लेट फीस है। ठीक है, तो हम इसे एक्स्ट्रा लेट फीस का नाम नहीं देंगे। हम एक्स्ट्रा लेट फीस का नाम तब देंगे जब ये हमारी कैलकुलेशन या सेक्शन 47 की जो कैलकुलेशन है उससे अगर ज्यादा होगी तो देंगे। ठीक है। अगर ये लेट फीस पोर्टल की कैलकुलेशन से, जो पोर्टल कर रहा है, पोर्टल ने पहले कम लेट फीस ले ली और एज पर सेक्शन 47 लेट फीस ज्यादा थी और पोर्टल ने आपसे कम कलेक्ट कर ली और आपने उस पे ध्यान नहीं दिया एज ए प्रोफेशनल, तो तब भी हम इसे एक्स्ट्रा लेट फीस नहीं कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि सर मेल आ रही है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मेल खोल के देखूंगा ना तो मेरे किसी क्लाइंट को नहीं आई ऐसी मेल, बिल्कुल लेकिन सारी दुनिया में ये मेल आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में। सर हमें भी आई। हाँ, रीजन है सर उसका। उसका रीजन क्या है कि जो भी कभी लेट फीस की बात होती है हम उसे कभी ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं देखते कि पोर्टल उसे कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है। हुआ क्या कि नोटिफिकेशन आई, जो नोटिफिकेशन नंबर हमारी 76 और 77 थी, जी उसमें लिखा गया कि 22 दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो जी हम आपसे लेट फीस नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने उस पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं करी, या तो उससे पहले करी या उससे बाद में करी, तो पोर्टल ने क्या करा, गलती से वहां पर लेट फीस कैलकुलेट ही नहीं करी। अब वहां पर जब प्रोफेशनल जो भी रिटर्न फाइल कर रहा था, सिस्टम में उसे दिखाया गया कि लेट फीस कैलकुलेट नहीं हो रही, वो कह रहा बल्ले बल्ले हो गई, उसने उसी हिसाब से फाइल कर, उसने उसी हिसाब से रिटर्न फाइल कर दी। क्योंकि वहां पर ये कोई तरीका भी नहीं था कि आप लेट फीस अपनी मर्जी से जमा कर दो। ये लेट फीस जमा करने का जो तरीका आया, ये भी आया ही 4 दिन पहले। तो जब ये तरीका ही 4 दिन पहले आया लेट फीस पे करने का, तो पुरानी लेट फीस ये लेते कैसे? अभी कुछ दिनों बाद जब आपके ऊपर GSTR 1 की लेट फीस लगेगी, आपके क्लाइंटों के पास मेल आएगी जी, GSTR 1 की, तब आप फिर कहोगे वो बैक डेट से देंगे, हाँ वो बैक डेट से दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे या ना दे हमें नहीं पता, हाँ। लेकिन क्या वो लेट फीस एज पर सेक्शन 47 होगी? हाँ। वो एज पर सेक्शन 47 है। हाँ। तो भाई जो ये आपको मेल आ रही है, इसमें सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको उस पीरियड की डिटेल चेक करनी है ठीक है। कि क्या वो लेट फीस एज पर सेक्शन 47 है या नहीं, क्या वो आप पे लगती थी या नहीं लगती थी, क्या आपको जो नोटिफिकेशन का बेनिफिट था क्या आप उसके लिए एलिजिबल थे भी या नहीं थे, नहीं थे। और अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, अगर वो लेट फीस आपकी बन रही है तो वो आपको जमा करानी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जमा कैसे कराए? जमा कैसे? भाई DRC 03 हमने इस बार की मैगजीन में दिया है कि DRC 03 में चेंजेज हुआ, ये लेट फीस की वजह से ही हुआ है। ठीक है। तो आप DRC 03 से कराओ। अगर आप जमा नहीं कराते हो तो उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने जमा करा दिया तो ठीक है, नहीं तो जो नेक्स्ट 3B होगी उसमें ऐड हम उसमें ऐड कर देंगे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो लेट फीस लगती है आपको एज पर सेक्शन 47, तो क्या उसके लिए कोई अलग से नोटिस आता है? नहीं, कोई नोटिस नहीं आता। क्या उसके अंदर कोई सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग होती है? नहीं, कोई नहीं होती। तो कोई भी अगर लेट फीस एज पर सेक्शन 47 लग रही है, और वो आप पर लगनी चाहिए, लेकिन पोर्टल ने उसे पहले कलेक्ट नहीं करा, ठीक है, तो वो आपसे कलेक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है इसके बाद कि जी अगर मेरी ये नहीं बन रही थी, मान लीजिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लगा दी, या फिर मेरी कम बन रही थी, तो उसका क्या वो? हाँ, अगर ऐसा कुछ है, हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में मिलेगा, ठीक है, जब आप उसके डीपली चेक करोगे। पहली बात तो लेट फीस चेक करने ही नहीं आता आधे से ज्यादा को। अब सर उस टाइम की मेरे पास कैलकुलेशन है, मान लीजिए कि जी मैं मैंने बता अपने हिसाब से बिल्कुल सही करके दी थी पर मंथ के मैं हिसाब बता रहा से। हूँ, क्लाइंट को लेट फीस समझाना GST में एक अलग काम है। हाँ जी। अब मेरे पास क्लाइंट आता है, कहता है कि जैन साहब मुझे जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है, हाँ।
ठीक है, जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है, मैं उसकी 20 फरवरी को करने बैठता हूँ, बिल्कुल सब चीजें ठीक, उसमें लेट फीस दिखा देता है, लेकिन वो लेट फीस जनवरी की थोड़ी होती है, वो होती है दिसंबर की। तो क्लाइंट को पहली बार समझाना बड़ा गड़बड़ है। तो आप पहले ना अपनी जो भी लेट फीस है उसमें चेक कर लेना कि भाई जो ये लेट फीस जो लग रही है ये कौन से की लग रही है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमने लेट फीस पेड कर दी, लेकिन हो सकता है वो लेट फीस आपने प्रीवियस मंथ की पे करी हो, करंट मंथ की ना पे करी हो। चलान आपका करंट मंथ में दिखा रखा होगा, लेकिन वो लेट फीस प्रीवियस मंथ की होगी। तो अगर आपकी कोई जेन्युइन लेट फीस है जो लगती थी, अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। कई बार मेरे पास फोन आता है, सर मेरी लॉटरी लग गई। मैंने कहा कैसे लग गई? वो कहता है सर मेरी ना GST R9 लेट फाइल थी 1.5 साल, ठीक है, और पोर्टल ना 9 पे लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा, और मैंने क्या करा क्लाइंट से पैसे ले लिए 25,000 रुपए लेट फीस के, अब वो जमा नहीं कर रहा, मेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल को पता लगेगा तेरी लॉटरी का। तो भाई आप ये मत समझिए कि 9 पे लेट फीस नहीं लग रही, 9C पे लेट फीस नहीं लग रही, या 1 पे लेट फीस नहीं लग रही, या 3B पे नहीं लगी। तो अगर जो लेट फीस एज पर सेक्शन 47 लग रही है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल आपसे कलेक्ट कराई जाएगी। यही उसके लिए एक टेलर है जो ये आया है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए, मैं ये कहता हूँ सर मेरी कैलकुलेशन एकदम ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए मेरी पेनल्टी बन रही थी, लेट फीस बन रही थी, और वो मैंने जमा करा दी। अब पोर्टल कह रहा नहीं थी आपकी 100 रुपए नहीं थी, आपकी 150 रुपए थी, और वो 50 रुपए मुझसे एक्स्ट्रा मांग रहा है। मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है मेरी कैलकुलेशन एकदम ओके, मेरे से चेक करा लेना एक बार कैलकुलेशन। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी तो सारी कैलकुलेशन ठीक होगी ही, क्लाइंट की हर कैलकुलेशन ठीक होती है, हमें अपनी गलती कहीं नजर नहीं आती। तो एक बार वो कोरोस्पोंडिंग किसी और से चेक करा लेना, क्योंकि मेरे को 3-4 लोगों ने बोला कि सर हमारी तो बनती ही नहीं थी, ये तो खामा खाई ले रहा। जब मैंने उसे समझाया ना कि ये लेट फीस पुरानी थी, ये नई है, कह रहा हाँ बनती है। सर मान लो एक केस में, 1% केस में बन भी जाती है, एक्चुअल में वो एक्स्ट्रा ले रहे, तो उसका क्या कुछ रेमेडी है या क्या? उसके लिए तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सर्कुलर देगी। हमारे को क्या ना पैनिक क्रिएट नहीं करना होता। अभी मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो बनाई, GST R1 में और 3B में कोई डिफरेंस अगर आ जाता है तो रिकवरी शुरू नहीं होगी, कोई नोटिस देंगे। उससे पहले जो मार्केट में एक अफवाह चल रही थी, उसमें ये अफवाह चल रही थी कि नहीं डायरेक्ट रिकवरी हो जाएगी। मैंने वो वीडियो बनाकर मैंने लोगों को बोला कि भाई ऐसा पैनिक क्रिएट मत कीजिए, ऐसा सर्कुलर आएगा। और आप बिलीव कीजिएगा, पता नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी वीडियो देखती है या नहीं देखती, जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली उसके 2-3 दिन बाद वो सर्कुलर आ गया। तो सर यहाँ पर ना एक पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपकी ज्यादा बनी रही तो आप जमा कर दो, और अगर कुछ ऐसा होगा तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सर्कुलर या SOP निकालेगी जिसमें आप कह दो कि नहीं ये हमारी नहीं बनती। चलो अगले महीने की अगर वो कह रहे हैं कि हम 3B में ऐड कर देंगे, अगर आपने टाइम पे जमा नहीं कराई और आपने दे दी अगले महीने की 3B में, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, कुछ भी होगा सर्कुलर आएगा उस हिसाब से डील करेंगे। लेकिन पोर्टल सेक्शन 47 से ज्यादा लेट फीस नहीं ले सकता, लेकिन सेक्शन 47 के अंदर की वो लेट फीस ले सकता है, चाहे उसने 2 साल पहले कैलकुलेट करी है या नहीं करी है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर इस चीज को समझना, हालांकि गवर्नमेंट की ये बात गलत है, पोर्टल की ये बात गलत है कि 2 साल पुरानी लेट फीस हमसे मांग रहा है। हम तो ये कहते हैं कि गलती कर सकता है पोर्टल, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे क्लाइंट की गलती भी तो माफ कर दो। अगर हमारा क्लाइंट ITC लेना भूल जाता है तो उसे ITC दिलवा दो, बिल्कुल। हम ये नहीं कहते, हमारा यही रहता है कि दोनों के लिए जो लो है वो समान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए। भाई अब जैसे लड़का है, लड़का जींस पहन सकता है, तो अब हमारे समाज में लड़की भी पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के लिए रूल समान है ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज समझनी है कि भाई जब SSC के लिए आप कह रहे हो 2 साल बाद लेट फीस, हम देने को तैयार है, लेकिन हमारा ITC दिलवा दो ना। तो गवर्नमेंट की ये बात गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। देखो मैं तो कहता हूँ कि लेट फीस भाई जो है पोर्टल कह रहा था, चलो हम ये सोच रहे थे कि नहीं मांग रहा तो ठीक है, लेकिन एज पर लो तो उसे चाहिए थी, ठीक है ना। तो अगर आप अपने क्लाइंट को लो नहीं बताओगे, सिर्फ पोर्टल बताओगे, तो गलती होगी सर, ठीक है। मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है कहता 3B में लेट फीस नहीं ले रहा, 9C में नहीं ले रहा, मैं कहता हूँ कि भाई अभी नहीं ले रहा, लेकिन एज पर लो है। तो हमेशा हर प्रोफेशनल को मेरे हिसाब से क्लाइंट को लो भी बताना चाहिए प्रैक्टिकल के साथ साथ, ठीक है, जिससे कि उसे ये समस्याएं अगर आती है तो वो उससे निपटारा कर ले। अब जैसे आपको पता है 180 दिन वाला लो, हाँ, 180 दिन में पेमेंट नहीं, वो लो तो है, हाँ, लेकिन वो रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी नहीं हो रही, जब वो रिकवरी नहीं हो रही, अब 3 साल बाद जब रिकवरी होगी
तब फिर क्या बोलेंगे वो कि इन्हों इतना पुराना क्यों करा। तो भाई गवर्नमेंट के पास तो लॉ में बहुत सारे सेक्शन है जो अभी तक एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं। भाई मैं और आपको सेक्शन बता दूं, हालांकि जिन लोगों ने हमारा पेन ड्राइव कोर्स लिया हुआ है ना सर, उसमें पूरा डिटेल में बताते हैं। अब जैसे आप बोलो किसी क्लाइंट का इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, सेक्शन 35 तो कहता है कि इन्वेंटरी होना चाहिए मैनेज, अगर नहीं हो रहा है मैनेज तो कल को आ सकता है कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेल्स आ रही है इसमें सारी मेल्स गलत नहीं है, इसमें अगर आप थोरोली चेक करोगे तो 80-90% मेल बिल्कुल सही है और उसमें क्लाइंट्स को वो देनी ही पड़ेगी। तो सर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मिनिस्ट्री अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो अब लास्ट में ये सबके मन में ये डाउट जरूर होगा कि ठीक है जी सब कुछ स्मूथली चला आ रहा है या बाद में होता है, तो मिनिस्ट्री बाद में क्यों जगती है, बाद में लेट लतीफ क्यों आती है, सर्कुलर आ गए पहले तो इन्होंने नहीं लिए, अब इतने एक्टिव ये होने चाहिए थे कि ड्यूरिंग द पीरियड वो अपनी लेट की जो भी है वो उसको सही ले, अब उसको बाद में रिवाइज करते हैं। जैसे 3B GSTR 1 का डिफरेंस था कि डायरेक्ट रिकवरी करेंगे बाद में सर्कुलर लेके आए, अभी लेट फीस वाले बाद में रिकवरी करिए, बाद में क्यों आती है मिनिस्ट्री, बाद में क्यों जगती है। गवर्नमेंट पहले तो मान के चलती है ना कि हिंदुस्तान में सारे आदमी ईमानदार है, उन्हें तो ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा, उन्हें ग्राउंड लेवल नहीं पता होता। ठीक है। उन्हें ग्राउंड लेवल पर ये चीज नहीं पता होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्हें तो ऊपर ऊपर पता रहता है कि वो क्या देखते हैं। अभी जैसे मिनिस्ट्री में पता नहीं कोई पर्सन है, उन्होंने बताया कि मोबाइल खोलो सिस्टम खोलो ITR फाइल कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, उन्हें पता ही नहीं है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अगर उनसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सारी क्लोजे आप पूछ लो नहीं पता होंगी उन्हें। हाँ, नहीं पता। तो उन लोगों को ये चीजें पता ही नहीं, उन्हें तो ये पता ही नहीं। वो तो अभी DRC 03 आया, उसे पोर्टल पर लगाया होगा इन्फोसिस वालों ने, तो जैसे ही लगाया होगा उन्होंने दिख गया होगा, अरे यार ये तो 10,000 करोड़ की लेट फीस है। तो मिनिस्ट्री ने कहा होगा भेजो नोटिस, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। तो उन्हें खुद ही नहीं पता। मेन चीज जब उन्हें पता लग जाती है तब वो चीजों को ठीक करते हैं, पहले तो उन्हें नहीं पता। अभी आप समझो मैं हर चीज में बता रहा हूँ, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले एक नियम आया कि मेट्रो और बस में 50% लोग जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, वो चले गए, जब 50% कैपेसिटी हो गई तो बसों में और मेट्रो में भीड़ लग गई, वहां पे ज्यादा बुरा हाल हो गया। फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं अब 100% जाएंगे। तो इन लोगों को ग्राउंड लेवल पे चीजें ज्यादा नहीं पता होती, तो ये तो हिट एंड ट्रायल करते हैं कि पहले ये कर लो ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये कर लो ये हो गया तो ठीक है। अब 909C में लेते ही नहीं है ये लेट फीस। किसी किसी क्लाइंट की ले लेते हैं, किसके नहीं। मर्जी लक के ड्रॉ की तरह करते हैं। एक क्लाइंट की हमने भरी है 65,000 रुपए भरी है। हाँ, एक क्लाइंट तो, की ली है। वही चीज है, तो ये जो दिक्कत है वो इस वजह से आ रही है। चलिए ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट लिख के, और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए KJ क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।